साधना से रिलेटेड है स्वामी जी। कई बार हम जैसे कुछ चैंट करते हैं हाँ और साधना शुरू करते हैं तो शुरू में तो बहुत मन लगता है, इस बहुत मन लगता है, उसमें ध्यान लगता है। जैसे कोई नया स्तोत्र पढ़ना शुरू किया, फिर जब वो कंठस्थ हो जाता है या ऐसे उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर ऐसा देखते हैं कि बीच बीच में मन कहीं कहीं भागता है, वो उतना एकाग्र नहीं रहता जितना शुरू में जब शुरू किया था तब रहता है। तो उसको कैसे बनाए रखें इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये दुनिया की चीजों में भी होता है, जो चीज नहीं आती है हम लोग कुछ खरीदते हैं तो बड़ा उसका चार तो इंतजाम होता है, बट वो यूज हो जाते हैं तो उसमें अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये है प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हमको प्रॉब्लम है यही नहीं समझ में आता, कोई दोष है या कमी है वही समझ में नहीं आता। अब यू कुड पिन पॉइंट कि अच्छा ये हो रहा है, तो अपनी भक्ति को बढ़ाना है। मतलब क्या है कि ये मैं केवल मैकेनिकल कर रहा हूं या करना चाहिए ऐसा नहीं है, उसके अंदर एक रस लेके यदि हम करें तो वो नवीनता बनी रहे। एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले आप इस तरह से बोलिए कि भगवान आपके सामने बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, एंड इज एप्रिशिएटिंग लिसनिंग टू यू। उनको जीवंत मान के जब आप बोलोगे तो फिर उसमें ये रूखापन या आलस्य नहीं होगा, मन इधर नहीं भागेगा। हमको क्या लगता है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, जब एक रूटीन है वो कर रहे हैं। लेकिन वही बड़ा अच्छा कहते थे कि जैसे आप किसी को बुलाते हो, किसी का आवाज लेके, नाम लेके, तो ये माइंड में रहता है कि वो सुन रहा है। हाँ, और उधर से भी रिस्पॉन्स आएगा, ये भाव रखे आप, यू जस्ट कॉल दैट पर्सन। सेम वे व्हेन वी चैंट और व्हेन वी यू नो डू एनी टाइप ऑफ मंत्र जाप, और तो ये भाव रखे कि ये भगवान सुन रहे, तो उसमें एक नवीनता रहेगी, एकाग्रता रहेगी, पुरानापन नहीं आए। और ऐसा लग रहा है तो नए नए लेते रहिए स्तोत्र, ये भी होता है। बार जी बार अर्थ के ऊपर ध्यान करो, तो जो जो भी स्तोत्र पढ़ जी रहे हो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उससे, नहीं तो क्या कब हमारी हनुमान चालीसा पूरी हो गई मालूम ही नहीं पड़ता। जी कब वो जप का आखिरी माया वो आ जाता है मणि मालूम नहीं पड़ता, तब लगता है अरे अरे मैं तो जप के लिए बैठा। जी थोड़ा कॉन्शियस होके, अलर्ट होके बैठना है, और ये पहले ही हमको ऑटो सजेशन देना है कि आज जब ये स्तोत्र पढ़ूंगा तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा। ये यदि पहले से ही हमने माइंड को बना लिया ना, देन यू विल सी द डिफरेंस। जी क्या होता है, हम बैठ जाते हैं, हम करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होके हम बैठे कि हाँ अब मैं बैठ रहा हूँ। वो एक संत कहते थे कि जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हो किसी से, तो जब अपॉइंटमेंट लेते हो तो क्या है, उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान रहता है 100%। सो दिस जी मंत्र जाप स्तोत्र इज लाइक अपॉइंटमेंट विद भगवान। अब भगवान सामने बैठे और हम इधर उधर देख रहे हैं तो वो तो रिस्पेक्ट नहीं है भगवान। सो कीप दैट माइंड कि एज इफ ही इज लिसनिंग, तो फिर वो मन थोड़ा एकाग्र। जी सर।